नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी में और मैं हूं ऋतुबिष्ट। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के जोधपुर, जहां पर अमित शाह संबोधित कर रहे हैं कि वोट बैंक उनकी तितर बितर हो जाएगी। मित्रों, मैं इस पूरे देश को बताना चाहता हूं कि पूरा भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि जो शरणार्थी आए हैं, प्रताड़ित है, दुखी है, सताए हुए हैं, उनको नागरिकता देना ये उनके मानव अधिकारों का रक्षण करना है। और नरेंद्र मोदी सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति कर रही। नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसमें दोनों देशों की माइनॉरिटी को भरोसा दिया गया। हमारे यहां तो हमने माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को सम्मान के साथ रखा, उनकी आबादी भी फल फूल रही। और पाकिस्तान के अंदर 30% से 3%, बांग्लादेश के अंदर 30% से 7%, और अफगानिस्तान में जो लाखों के आसपास से केवल 500 बच गए हैं, 500। हमें सबको सम्मान देना चाहते हैं। नेहरू लियाकत समझौते का अमल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मगर हम करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का वचन का अमल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मगर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और मैं देख रहा हूं नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही है जो पार्टियां, बहन मायावती विरोध कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, बसपा कर रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं, गुजरात की सरहद से लेकर राजस्थान से लेकर पंजाब तक और बंगाल से लेकर पूरे उत्तर पूर्व के अंदर जो शरणार्थी आए हैं, उसमें 70% से ज्यादा दलित भाई बहन अत्याचार के मारे आए हैं, दलित भाई बहन आए। आप याद रखना, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी बारीक नजर से सब कुछ देख रहा है। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से दलित आए हैं, सिख आए हैं, उनको जिस तरह से आप विरोध कर रहे हो, आप दलितों का विरोध कर रहे हो, ये बात को याद रखना। और इस बात को देश की जनता के सामने आज मैं रखने आया। कहां जाएंगे वो नाम शूद्र लोग, कहां जाएंगे बंगाली भाषी शरणार्थी? मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? ये नाम सूत्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बंगाली दलितों ने क्या बिगाड़ा है? बंगाली भाषी हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों इनकी नागरिकता का विरोध कर रहे हैं? ममता दीदी, आप कह रही हो आपकी लाइनें लग जाएगी, आपके पास अलग अलग प्रकार के प्रूफ मांगे जाएंगे। मैं सारे बंगाल में बसते हुए शरणार्थी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप प्रताड़ी ठोकर आए हो, यहां कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी, आपको सम्मान के साथ नागरिकता दी जाएगी। ममता दीदी से डरिए मत। ममता दीदी आपका भला नहीं चाहती है। ममता दीदी अपनी वोट बैंक संभालना चाहती है, अपनी वोट बैंक संभालना चाहती है। मित्रों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि अभी अभी जब सीएए को लेकर मोदी जी आए, पारित हुआ, देश के अंदर दंगे कराए गए, देश की जनता को गुमराह किया गया। उनको है कि ऐसा करके देश की जनता को मोदी जी के सामने रख कर दी। कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल, मैं सबको कहना चाहता हूं, इतना सरल नहीं होता है लोकतंत्र में जनता को गुमराह करना। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों लोगों के घर में जाकर नागरिकता संशोधन कानून की सच्चाई बनाने बताने वाली है। कल से 5 तारीख से देश भर के अंदर घर घर जाकर लोगों को समझाने का अभियान करने वाली है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में जाने वाली, 500 से ज्यादा
सभाएं कर हम लोगों को ये अभियान के साथ जोड़ने वाला वाले 250 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं कर आपकी फैलाई हुई भ्रांति को हम दूर करने वाले हैं। और जब ये सारे लोग समझ जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितना गलत कदम उठाया है, कितना गलत कदम उठाया है। मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे लोगों को ढेर सारी चीजें पहुंचाई। मैं आज पूछना चाहता हूं मारवाड़ की जनता को, कितने लोगों के पास मोबाइल है जरा हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए जरा, कितने लोगों के पास मोबाइल है? सबके पास है ना? अपना अपना मोबाइल निकालिए, जरा निकालिए मोबाइल, हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए। माताएं बहने भी निकाले जरा, हाथ में ले, ऊपर करिए। अब मैं एक नंबर बोलूंगा, पहले हिंदी में बोलूंगा, बाद में अंग्रेजी में बोलूंगा। वो नंबर पर मिस कॉल करिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। करोगे सब लोग? पीछे बोलो भैया, करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो मैं अब नंबर बोलता हूं, डायल करिएगा 8 8 6 6 2, फिर से एक बार 8 8 6 6 2। अब पूरा नंबर फिर से बोलता हूं, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2। ये 10 अंक घुमाने हैं, 10 अंक, 2 बार 8 8 6 6 2। मैं फिर से बोलता हूं, 8 8 6 6 2, 8 8 6 6 2। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, ये राहुल बाबा, ममता, केजरीवाल, ये पूरी टोली जो लगी है, उनको जवाब देने के लिए देश की जनता 8862 8862 को जरा डायल करे और मोदी जी को अपना समर्थन पहुंचाए, मोदी जी को अपना समर्थन पहुंचाए। मुझे बताओ कितने लोगों ने डायल किया है भाई? कर दिया सबने? तो आपका समर्थन मोदी जी के पास पहुंच गया है। मित्रों, इस देश के युवाओं को कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। वो कह रही है ये कानून धर्म धर्म के बीच में भेदभाव करेगा, किसी भी धर्म को हमने बाकी नहीं रखा। ये तीनों देशों में जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन को भी लिया है, पारसी को भी लिया है, जैन को भी लिया है, बौद्ध को भी लिया है, सबको लिया है और सबको नागरिकता दे रहे हैं, मगर ये गुमराह कर रहे हैं कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी को आदत पड़ी, जितने भी देश हित के मुद्दे हैं उसको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत विरोध करना। इतनी बड़ी हजारों हजारों की संख्या है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी ने धारा 370 हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये राहुल बाबा कह रहे क्यों 370 हटाई, मैं फिर से पूछना चाहूं हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में खिलाफत कर रही थी। मित्रों, मैं फिर से पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है तो एयर स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मोदी जी एयर स्ट्राइक करते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं। अगर उरी के अंदर हमला हो, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
जोर से बोलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये राहुल बाबा विरोध कर रहे हैं। मित्रों ट्रिपल तलाक हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, जोर से बोलिए हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। ये राहुल बाबा विरोध कर रहे हैं। मित्रों वीर सावरकर जैसे इस देश के महान सपूत और बलिदानी क्रांतिकारी को भी कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में विरोध कर रही है। कांग्रेसियों शर्म करो, शर्म करो। तो राजस्थान के जोधपुर में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर कांग्रेस जो है लोगों को भ्रम में फैला रही है, गुमराह करने की कोशिश यहां पर कर रही है। सीए में नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है बल्कि नागरिकता देने का प्रावधान है। तो जो शरणार्थी आए उनका भारत में अधिकार है, जितना मेरा अधिकार है उतना ही शरणार्थियों का भी अधिकार इसमें बनता है। तो शरणार्थियों के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस इस मामले को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मनमोहन सिंह ने भी नागरिकता देने की बात की थी, तो शरणार्थियों में 70% दलित है। वही ममता दीदी का हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है, ममता बनर्जी पर भी हमला करते हुए यहां पर अमित शाह। 1000 आप मुझे बताइए देश के टुकड़े करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, जोर से बोलो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मित्रों एक टुकड़े टुकड़े गैंग देश के अंदर एक वोट बैंक की राजनीति का फिर से एक बार शुरुआत करना चाहता, और इसलिए मैं देशवासियों को भी अपील करना चाहता हूं और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये जो जागरूकता अभियान आज जन जागरण अभियान शुरू हुआ है, वो जन जागरण अभियान से आप जुड़िए।